जीविका दीदियों का अनशन हुआ समाप्त। लूट के विरोध में बीते सोमवार से हिलसा अनुमंडल कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन के चौथे दिन जीविका दीदियों का अनशन एसडीओ के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। पीड़ितों की हिलसा अनुमंडल के थरथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थर गांव के पास 19 नवंबर को बैंक से पैसा निकासी कर घर जाने के क्रम में जीविका अध्यक्ष अर्चना देवी से 1,00,000 रुपया की लूट हो गई थी। थरथरी थाना में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया, लेकिन मामले में पुलिस पदाधिकारी की सस्टीव कोई कार्रवाई नहीं होते देख लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर बीते सोमवार से ही हिलसा अनुमंडल कार्यालय समक्ष आमरण अनशन जीविका दीदियों के द्वारा किया जा रहा था, जहां आमरण अनशन के चौथे दिन एसडीओ विवेक रंजन मैत्रिया के द्वारा लूटकांड में संलिप्त लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद अनशन को समाप्त किया गया एवं अनशनकारियों को प्रशासन के मौजूदगी में अस्पताल में स्वास्थ्य चेकअप कराकर घर भेजा गया। अच्छा। उसने पकड़ कर एम्बुलेंस में बैठाया और हॉस्पिटल तक लाया। हम बेड पर लेटे हुए हैं, हमारा इलाज चल रहा है। एम्बुलेंस से आपको हिलसा मंडली अस्पताल में भर्ती कराया है। अधिकारी के समक्ष हमारा अनशन 25/11 से कर रहा हूँ, लेकिन मंडलाधिकारी ने अब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया और समय से पूर्व पुलिस द्वारा उठा करके अनशन तोड़वा दिया गया। हॉस्पिटल में अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा में डाल दिया गया।